दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। जैसा कि हम आपको वैम्पायर्स यानी पिशाच के बारे में बता चुके हैं कि ये वे लोग हैं जो रात को दूसरों का खून पीकर जीते हैं और अपनी जवानी को बरकरार रखते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको इतिहास की एक रियल लाइफ वैम्पायर के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है एलिजाबेथ बैथरी। 16वीं शताब्दी में ये एक ऐसी महारानी थी जिसका खौफ पूरे इलाके में फैला हुआ था। वह अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों का खून पिया करती थी और उनके खून से नहाया करती थी। तो आइए दोस्तों, अब हम विस्तार में जानते हैं कि आखिर ये महिला कौन थी। एलिजाबेथ बैथरी इतिहास की सबसे खतरनाक वैश्य महिला सीरियल किलर के तौर पर जानी जाती है, जिसने साल 1585 से 1610 के दौरान अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए अपने महल में 600 से ज्यादा लड़कियों की हत्या करके उनके खून से स्नान किया। एलिजाबेथ बैथरी हंगेरी साम्राज्य के ऊंचे रसूख वाले बैथरी परिवार से संबंध रखती थी। उसकी शादी फ्रैंक मेडेस्टी नामक शख्स से हुई थी और वह तुर्किश के खिलाफ युद्ध में हंगेरी का राष्ट्रीय हीरो था। जब तक वह जिंदा था तब तो एलिजाबेथ लड़कियों को अपना शिकार बनाती ही थी, लेकिन 1604 में पति की मौत के बाद उसके जुर्म की तो हद ही हो गई। एलिजाबेथ बैथरी स्लोवेनिया में स्थित अपने महल में रहा करती थी और वहीं सारी घटनाओं को अंजाम दिया करती थी। उसका मानना था कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाएगी तो वह हमेशा के लिए जवान बनी रहेगी। उसकी इसी सोच ने उसको दुनिया की नंबर वन सीरियल किलर बना दिया। उसके इस काम में उसके 3 नौकर भी उसका साथ दिया करते थे। क्योंकि वह एक ऊंचे रसूख वाली औरत थी, इसलिए वे आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी। लेकिन महल में आते ही लड़कियों के बुरे दिन शुरू हो जाते थे। वहां पर उन्हें मौत से पहले बुरी तरह तड़पाया जाता था, बेरहमी से उनकी पिटाई की जाती थी और उनके हाथों को जलाकर काट दिया जाता था। कई बार वे लड़कियों के चेहरे या शरीर के दूसरे अंगों का मांस अपने दांतों से काटकर निकाल लेती थी और अंत में उनकी हत्या करके उनका खून एक टब में इकट्ठा कर लिया जाता था, जिसमें वह नहाया करती थी। शुरुआत में तो एलिजाबेथ बैथरी गरीब परिवार की लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती थी, लेकिन जब इलाके में लड़कियों की तादाद कम हो गई तो उसने अमीर परिवार की लड़कियों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। कभी कभार एलिजाबेथ बैथरी के चंगुल से कुछ लड़कियां निकलकर भागने में सफल भी हो जाती थीं। जब गांव वालों को इन लड़कियों के द्वारा बैथरी की असलियत का पता चला तो उन्होंने हंगेरी के राजा से इसकी शिकायत करी। यह बात साल 1610 की है कि हंगेरी के राजा ने सच्चाई की जाँच करने के लिए अपने लोगों का एक दल भेजा। जांच दल ने जब महल की जांच की तो वह खुद हैरान रह गए। उन्हें महल में लड़कियों की कई विकृत लाशें तथा कई जिंदा लड़कियां बेड़ियों में जकड़ी हुई मिली। इन लड़कियों के बयान और वहां से बच निकलने में सफल रही लड़कियों के बयान के आधार पर जांच दल ने एलिजाबेथ बैथरी को 3 नौकरों के समेत गिरफ्तार कर लिया। 3 नौकरों को सजाए मौत दे दी गई, पर एलिजाबेथ बैथरी के खानदान को देखते हुए उसे मौत की सजा ना देकर उसे उसके ही महल में एक कमरे में कैद कर लिया गया, जहां पर के 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई। अपनी 25 साल की हैवानियत के दौरान एलिजाबेथ बैथरी ने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर विभिन्न रिपोर्टों में यह संख्या 300 से लेकर 650 के बीच तक की है। एलिजाबेथ बैथरी के जीवन पर अब तक कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। इसके अलावा उस पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आयरलैंड के मशहूर लेखक ब्रैम स्टोकर ने बैथरी के विषय से ही प्रेरित होकर 1897 में ड्रैकुला नामक नॉवल लिखा था। एलिजाबेथ बैथरी को लेकर
प्रचलित किंवदंतियों को कुछ इतिहासकार पूरी तरह से सही नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार ये महिला राजनीतिक साजिश का शिकार हो सकती है। उनके हिसाब से कहीं भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि गायब हुई लड़कियां कौन थीं। शायद ये अफवाह भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वह कुछ हत्याओं की दोषी हो और उसने खून से स्नान करने का कार्य भी किया हो, लेकिन कहानियों में पेश किए गए आंकड़ों को पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके खिलाफ चले किसी प्रकार के मुकदमे से जुड़े दस्तावेज भी नहीं मिले, इसलिए उसको सैकड़ों लड़कियों को मारने का आरोपी भी नहीं माना जा सकता। हालांकि कहीं भी ऐसे सबूत नहीं मिलते जो एलिजाबेथ बैथुरी को बेगुनाह साबित कर सकें, इसलिए लोक कथाओं के आधार पर उसे लोग एक खतरनाक सीरियल किलर के रूप में देखते हैं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।